नमस्कार, मैं हूं अनूप श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 9। दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा उपचुनाव सहित महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा के चुनाव की मतदान की तारीख 20 नवंबर को है और वोट अब डलने शुरू हो गए हैं। इन चुनावों पर पूरे देश की नज़र है। हालांकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा के उपचुनाव हैं, बावजूद इसके उत्तर प्रदेश की जिन 9 विधानसभा के उपचुनाव हो रहे हैं विधानसभा सीटों पर, उस पर भी पूरे देश की निगाह है। इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच जबरदस्त लड़ाई है, चाहे वो महाराष्ट्र हो, झारखंड हो या फिर उत्तर प्रदेश हो। उत्तर प्रदेश खासकर इसलिए कि इसी उत्तर प्रदेश में पिछले लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने 43 सीटें जीती थी, जिसमें 36 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती थी और 7 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। हालांकि ये विधानसभा उपचुनाव कांग्रेस नहीं लड़ रही है और टोटल 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार ही लड़ रहे हैं, लेकिन उन्हें इंडिया गठबंधन का ही उम्मीदवार कहा जा रहा है। अब मतदान शुरू हो गया है, मतदान शुरू होने वाला है, उसके ठीक पहले अखिलेश यादव ने एक विवादित बयान दे दिया। मतदान के पहले विवादित बयान, वो विवादित बयान ये है कि अखिलेश यादव ने ये मांग की है कि जो वोटर आएंगे, वोटर अपना मतदान करने आएंगे, वोट डालने आएंगे, उनको जो है, जो खासकर जो मुस्लिम मतदाता है, जो वोट बैंक माना जाता है अखिलेश यादव की पार्टी, समाजवादी पार्टी का या इंडिया गठबंधन का, उसमें जो बुरके पहनकर महिलाएं वोट डालने आती हैं, तो उनकी तलाशी ना ली जाए या उनका बुरका ना हटाया जाए, ये उनके मजहब के खिलाफ होगा। अखिलेश यादव के इस बयान पर भारतीय जनता पार्टी ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। हालांकि कांग्रेस, जो उसकी सहयोगी है, उसने उसका समर्थन किया है। हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने अखिलेश यादव के इस बयान पर क्या कहा है और साथ ही साथ उसकी सहयोगी पार्टी कांग्रेस के प्रवक्ता ने इस पर क्या कहा है। तो पहले आप देख लीजिए इन दोनों के बयान क्या हैं और उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि समाजवादी पार्टी का क्या कहना है और इस सिलसिले में हमने समाजवादी पार्टी के नेता से बात भी की। तो आप ये पूरा वीडियो देखिए और खुद आप अपना आकलन कीजिए कि अखिलेश यादव की जो मांग है वो जायज़ है या नाजायज़ है, किस पार्टी का पक्ष जो है कितना सही है, कितना गलत है, वोटर किसके साथ है, किसके साथ नहीं है, इसका फैसला तो 23 नवंबर को होगा। लेकिन बहरहाल, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। महाराष्ट्र और झारखंड के साथ उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव में 20 नवंबर को मतदान होने जा रहा है, लेकिन मतदान के पहले उत्तर प्रदेश का सियासी पारा चढ़ता ही जा रहा है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मांग की है कि मतदान के दौरान जो मुस्लिम मतदाता हैं, खासकर महिलाएं, अगर वो मतदान केंद्र पर पहुंचती हैं बुर्का पहनकर, तो उनको बुर्का उठाकर उनके चेहरे का मुआयना न किया जाए, खासकर सुरक्षा बलों के द्वारा। क्या कहा है अखिलेश यादव ने और क्यों कहा है, इसे समझने के लिए हम आए हैं समाजवादी पार्टी के नेता, पूर्व मंत्री और बड़े ही लोकप्रिय अरविंद सिंह गोप जी के पास। गोप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। गोप जी, ये बताइए कि आखिर ये मांग क्या है और क्यों है, क्यों आप चाहते हैं कि बुर्का उठा के देखा जाए चेहरा या बुर्का पहने लोगों की तलाशी ली जाए। देखिए, अखिलेश जी ने जो बात कही है बिल्कुल सही कही है कि लोकतंत्र में मताधिकार तो सबका है, शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो, जो नियम है आपका आई कार्ड वोटर लिस्ट में नाम हो वो तो आदमी देखता है, उसको हमको कोई ऐतराज नहीं है। वहां आप सरकारी तंत्र का प्रयोग मत करिए, किसी को भयभीत मत करिए। लोकतंत्र सबका अधिकार, अपने मत का प्रयोग करें और करना चाहिए। सरकार क्यों परेशान है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। सरकार इसलिए परेशान है, 24 का परिणाम वो भूल नहीं पा रही है। और अनुप भाई, देश की सबसे बड़ी अदालत जो है जनता की, तय करती है कौन काम करेगा, कौन राज करेगा। ये जो 9 बाई इलेक्शन होने जा रहे हैं, सरकार की पूरी रिपोर्ट भारतीय जनता पार्टी के पास है कि 9 की 9 सीटें हारने जा रहे हैं। ये वो सीटें हैं जहां हर दल ताकत लगा रही है और समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता न डरता, न दबता, न हटता है, वो बूथ पे मजबूती साथ खड़ा रहता है। हमने अपील की है कि शांतिपूर्ण तरीके से भारी मतदान लोग करें, कोई वोट बटे ना, कोई वोट बचे ना। एक एक आदमी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करें कि अच्छे विकास के लिए, अच्छे काम के लिए मतदान का प्रयोग करना है। तो मतलब आपको उम्मीद है कि यूपी का उपचुनाव जो है इस बार भी आपका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा होने जा रहा है, जैसे कि आपने लोकसभा में किया। पिछला चुनाव घोषिंग हुआ था, पूरी सरकार हुआ थी, 50,000 जीते नहीं जीते। देखिए, मतदाता जो है वो इसलिए परेशान है
कि आज उसको रोजगार नहीं मिल रहा है। पहले गांव में जब जाइए तो कहते थे मेरा बेटा सेना में है और छाती चौड़ा कर कहता मेरा बेटा सेना में, आपने अग्री भी बना दिया है, आप क्यों नहीं नौकरी दे पा रहे हो। तमाम सरकारें रहीं, हम भी सरकार रहे और भी लोग नौकरी देते थे, ये पहली सरकार है जो नौकरी नहीं दे पा रही है। जो देश और प्रदेश का नौजवान उसको रोजगार चाहिए, आज सब परेशान है, चाहे किसान हो चाहे गरीब हो चाहे नौजवान हो। मेरा पूरा भरोसा है कि जो मतदान होने जा रहा कल पूरे देश में महाराष्ट्र में है कई जगहों पे है, वो बीजेपी के खिलाफ जनता खड़ी हो गई है। हम खासकर उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं कि अखिलेश यादव जी एक ऐसे नेता हैं जिन पे गरीब किसान नौजवान महिला व्यापारी सब भरोसा करते हैं। विजन बड़ा है, बड़ा क्लियर है, अखिलेश जी हमेशा डेवलपमेंट की बात करते हैं। मैं कह सकता हूँ लोकप्रिय नेताओं में अखिलेश जी का नाम है। अखिलेश जी दिन रात परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसका परिणाम 23 को देखने मिला, हम सारी सीटें जीतने जा रहे हैं। तो सुना आपने अरविंद सिंह गोप जी को, इनका कहना है कि 23 तारीख को जब परिणाम आएगा तो आप देखेंगे कि इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जो है 9 के 9 सीटों पर विजयी हुए हैं। बहरहाल क्या परिणाम होगा ये तो 23 नवंबर की शाम को ही पता चलेगा, और लेकिन आशान्वित हैं इंडिया गठबंधन के वो नेता जो हैं, चाहे समाजवादी पार्टी के नेता, वो बेहद ही कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं और होना भी चाहिए क्योंकि लोकसभा में इन्होंने बहुत जोरदार प्रदर्शन किया था। इस वक्त कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए पूछते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव हो रहे हैं सर, उसको लेके इंडिया गठबंधन क्या सोच रहा है? करते भी चलो, बढ़ते भी चलो, बाजू भी बहुत हैं, सर भी बहुत, और चलते ही चलो कि अब डेरे मंजिल पे ही डाले जाएंगे। इंडिया गठबंधन पूरी ताकत से, जन समर्थन से गांव-गांव जा रहा है, पांव-पांव जा रहा है, नगर-नगर जा रहा है, डगर-डगर जा रहा है और चुनाव जीत रहा है। क्योंकि यात्राइयों की जो सरकार है ये ना अपनों के हुए, ना बेगानों के हुए, ना जनता के हुए, इन लोगों ने अपने ही सहयोगी दल से यानी निषाद पार्टी से सीटें छीन ली दो दो, तो जनता बहुत नाराज है इनसे। महंगाई की पराकाष्ठा किए हुए, महिलाओं के ऊपर अत्याचार की पराकाष्ठा किए हुए हैं और बेरोजगारी की पराकाष्ठा किए हुए हैं। जिस तरीके से बच्चे इलाहाबाद में बैठे हुए थे, ये सारी की सारी चीज़ें बता रही हैं कि आतताई सरकार का उपचुनाव नहीं है और ये चुनाव इंडिया गठबंधन जीत रहा है। सर आपने कहा कि आप जीत रहे हैं, तो लेकिन आप इंडिया गठबंधन की अगर बात करें तो इस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं सर, सभी 9 सीटों पर आपकी पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही है। दूसरी बात कि अभी मतदान हुआ नहीं, लेकिन आपके गठबंधन के नेता खासकर अखिलेश यादव ये कहने लगे हैं कि प्रशासन के बल पर जो है बीजेपी ये चुनाव जीतना चाहती है। साथ ही साथ उन्होंने ये मांग की कि जो बुर्के पहन के लोग मतदान करने आते हैं, मुस्लिम मतदाता, उनकी तलाशी लेने से सुरक्षा बलों को या कॉम्पिटेंट जो ऑफिसर थे उनको रोका जाए, तो ये सब क्यों? ये सब तो देखिए एक बात बताइए, अगर जिस तरीके से पुलिस बल का दुरुपयोग किया जा रहा है, इलेक्शन कमीशन का दुरुपयोग किया जा रहा है, आज 5 करोड़ रुपए विनोद तावड़े के पास से मुंबई में बरामद हुए हैं और उसके बाद जिस आदमी ने बरामद किए हैं इलेक्शन कमीशन उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने से रोक रहा है, तो लेबल प्लेइंग फील्ड तो नहीं कर रही है ना सरकार। और उत्तर प्रदेश में तो आतताई रवैया अपना रही है सरकार। तो अगर हम इस सब चीजों को जनता के संज्ञान में, चुनाव आयोग के संज्ञान में ला रहे हैं तो ये हमारा डर थोड़ी है, ये तो हम संविधान परक बात कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। अखिलेश यादव जी जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। और रही बात कि अब ये बातें पुरानी हो चुकी है, 9 की 9 सीटों पर इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा है, सिंबल समाजवादी पार्टी का है, वो भी इंडिया गठबंधन की सबसे मजबूत हिस्सा। चलिए आपने हमसे बात की सुनी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हीरो वाजपेयी जी। हीरो वाजपेयी जी, इन चुनावों को भारतीय जनता पार्टी किस तरह से देख रही है? देखिए मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश का ये चुनाव पूरे देश में छाया हुआ, जहाँ 2 प्रदेशों के चुनाव हो रहे हैं वह उत्तर प्रदेश के इस उपचुनाव की भी बहुत ज्यादा चर्चा है। और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के विचार और समाजवादी पार्टी का परिवार, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व आदरणीय योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी का नेतृत्व अखिलेश, की 2 पर्सनालिटीज के बीच का भी चुनाव है, मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव है। और जिस चुनाव से ये तय होने वाला है कि उत्तर प्रदेश का जनमत योगी आदित्यनाथ के साथ है या जो 2024 में थोड़ा भटका हुआ दिखा था, अखिलेश जी को भी सीटें मिल गई थी उनके साथ, मुझे लगता है जनता दूध का दूध और पानी का पानी करने वाली है। और भारतीय जनता पार्टी का ये पूर्ण विश्वास है कि 9 की 9 सीटें योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी विजय पताका फहराने जा रही है। जी एक सवाल और है कि कल के मतदान को लेकर अखिलेश यादव ने ये डिमांड की है कि जो बुर्का पहन के लोग मतदान करने आते हैं या उस तरह के लोग आते हैं तो उनको जो है तलाशी करने न दिया जाए, क्या ये आपको लगता है डिमांड जायज है?
देखिए मुझे लगता है अखिलेश जी हार से पहले की पटकथा लिखने के लिए इस तरह की तमाम मांगे उठाने लगे, प्रशासन पे आरोप लगाने लगे, पुलिस पे आरोप लगाने लगे, और ये दिखने लगा है कि वो हताशा जो उनकी है वो खुलकर सामने आने लगी। चलिए आपने हमसे बात की।